हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है और इनको निकालने के लिए हम किन किन फॉर्मुलों का यूज करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 तक भी हमने कर लिया था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न 5, 6, 7 और 8 की। ठीक है, अब देखो इनको करने के लिए वही फॉर्मुले की जरूरत है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन हल्का सा एक बार देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में आपको क्या क्या फॉर्मुले बताए थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला, जो कि होता है पी गुणा में आर गुणा में टी, पी गुणा आर गुणा टी बटे में कितना 100। ठीक है, ये था साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। जो ज्यादा पूछा जाता है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले हम मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन कैसे आता है, जो मूलधन था और जो ब्याज था दोनों को जोड़ दोगे तो मिश्रधन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 की पावर n। यहां से अगर हमें मिश्रधन मिल गया तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। CI का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अब यहां पर देखो आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो n होता है और ये जो R होता है, ये हम अलग अलग सवालों में, ठीक है, ब्याज किस रूप से संयोजित है उसके हिसाब से लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है, तब तो अब आर को उतना ही लोगे जितना प्रतिशत वार्षिक में दिया गया है। ठीक है, एन को भी उतना ही लोगे जितना समय वर्षों में दिया गया है, मतलब अगर 2 वर्ष समय दिया गया तो एन की वैल्यू 2, 3 दिया गया तो एन की वैल्यू 3। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो आप आर की वैल्यू 10 ले लोगे, 20% वार्षिक है तो आर की वैल्यू 20 ले लोगे। ऐसा आप तभी करोगे जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। अगर मान लो ऐसा नहीं है, और जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा, तब आप क्या करोगे, तब आप n की वैल्यू समय के बराबर नहीं लेना डायरेक्ट, तब आप क्या करना, समय जो वर्षों में दिया गया है पहले उसको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, जब समय को 2 से गुणा कर दोगे जो आएगा वो आप n की वैल्यू लोगे। यानी कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है और आपके सवाल में मान लीजिए 2 वर्ष दिया गया है तो n की वैल्यू 2 × 2 = 4 लोगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 वर्ष दिया गया है तो n की वैल्यू 3 × 2 यानी 6 लोगे, अगर ये अर्धवार्षिक संयोजित है तो। और आप r की वैल्यू कैसे लोगे, जो भी वार्षिक दिया गया है प्रतिशत, जैसे मान लीजिए अगर आपको 10% वार्षिक दिया गया है और ब्याज अर्धवार्षिक है तो आप क्या करोगे, जो भी वार्षिक है उसका आधा कर दोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको 10% अगर दिया जाएगा तो वार्षिक मतलब एक साल के हिसाब से दिया जाएगा, जबकि आपको तो अर्धवार्षिक यानी आधे साल के हिसाब से निकालना है तो उसका आधा कर दोगे यानी डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए चतुर्मासिक है तो मतलब एक साल में 3 बार आएंगे 4-4 महीने, तो वहां पे इसको 3 से डिवाइड करोगे, इसको 3 से गुणा करोगे, इस तरह से चलता है। ठीक है, अब बिल्कुल डिटेल में देखना तो आप पिछली वीडियो देखना। और अगर मान लो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये आपको तब लगाना है जब n की वैल्यू एक पूरा पूरा नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो ऐसे। अगर मान लो n भिन्न में आ गया, जैसे मान लो n हो गया 1.5, ठीक है, n हो गया 1.25, 2.5 इस तरह से आ गया, तब आप क्या करोगे, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, इसकी जगह ये वाला। ठीक, तो यदि n एक भिन्न है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 से ही 1/2 आ गई है n की वैल्यू यानी 5.5 आ रहा है, तब आप क्या करोगे, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ये फॉर्मूला याद करना आसान है, तो ऐसे ही अजीब सा लग रहा है। ठीक है, मैं दोबारा इसको लिख के दिखाता हूँ। a बराबर, ठीक है, मान लो 5 से 1/2 आ है, हमें ये वाला फॉर्मूला याद है, इसी से याद आ जाता है। ये ही फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखो, पी 1 + R/100। अब यहाँ पे बस ये n है, n की जगह आप इसका पूरा वाला हिस्सा लिख दो, जैसे 5 से ही 1/2 है मतलब 5 और आधा, आधे को छोड़ दो, यहाँ पे क्या है 5, तो पहले आप यहाँ पे 5 लगा दो, फिर आप क्या करो, इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है 1 + R/100 ये यहाँ पे भी लिख दो, सेम चीज 1 + R/100 सेम चीज यहाँ पे लिख दो। फिर आपको क्या करना, बस इसको गुणा कर देना है जो इसका ये वाला हिस्सा है 1/2 का, यानी कि 1/2 से गुणा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो यहाँ पे 5 से ही 1/2 ना होके 4 से ही 1/2 होता तो यहाँ पे 4 आता, यहाँ पे 1/2 आता। मतलब कहने का क्या है कि जो भी भिन्न में दिया गया है आप उसके लिए ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, अभी हम सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब सवाल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो पांचवा सवाल है इसमें हमसे क्या बोला गया, इसमें बोला गया वासुदेव ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 का निवेश किया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक
ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए वह 6 महीने के अंत में, 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। मतलब सवाल दो हिस्सों में, ठीक है ना, यहाँ पर एक बार 6 महीने के अंत में बताना है, फिर 1 साल के अंत में बताना है। और जो ब्याज है याद रखना वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, लेकिन जो दर है वो वार्षिक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम कहेंगे कि भाई मूलधन क्या है हमारा, मूलधन का मतलब जिस पैसे पे ब्याज मिलना है, तो मूलधन है 60,000, क्योंकि 60,000 रुपए निवेश किए तो इसी पे ब्याज मिले, तो ये हो गया मूलधन, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे दर क्या है, दर है 12% वार्षिक, ठीक है, 12% वार्षिक है दर। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये है कि दर तो वार्षिक में है लेकिन हमें अर्धवार्षिक में निकालना है। मैंने आपको बताया था अगर अर्धवार्षिक हुई तो फिर इसको आपको 2 से भाग करना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू 12/2 कितना हो जाएगी, 6%, ठीक है ना, अर्धवार्षिक के हिसाब से 6% हो जाएगी, 12% तो वार्षिक के हिसाब से थी, ठीक है। देखो यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर अर्धवार्षिक होगी तो जो भी प्रतिशत में है उसको 2 से भाग करोगे तब आर लोगे, ठीक। इसके अलावा जो पहला पार्ट है, ठीक है ना, अभी पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट में जो समय है वो कितना है, 6 महीने। 6 महीने का मतलब कितना हो गया, आधा साल, 1/2 वर्ष। भाई 6 महीने में वर्ष कितने होंगे, आधा वर्ष होगा, 1/2 वर्ष होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बताओ यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो जो n होता है वो 2 गुणा में समय होता है। समय किस में होना चाहिए, वर्ष में, इसीलिए मैंने इसको वर्ष में बदला, ठीक है। अब हमें पता है समय 1/2 वर्ष है, तो n हो जाएगा जो भी समय है उसका 2 गुणा, ठीक है। तो n का मान हो गया 2 से 2 कट गया 1, तो n हमें पता लग गया। अब पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में क्या बोला गया था कि भाई कितनी राशि, कितनी राशि मतलब ब्याज तो नहीं पूछा गया, मिश्रधन पूछा गया है, मिश्रधन मतलब a, तो a का मान कितना हो जाएगा, p ब्रैकेट के अंदर 1+r/100 और इसकी पावर कितनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, नीचे वाला जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो भिन्न नहीं है बल्कि 1 है, पूरा पूरा नंबर है, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा p का मान कितना है, 60,000, पहले केस की बात कर रहा हूँ मैं, ये 60,000 हो गया। 1+r की वैल्यू कितनी है, 6% / 100, याद रखना ये था 12, ये कितना था, 12 था, मैंने 6 क्यों लिया है, क्योंकि 2 से भाग करने के बाद लेंगे, क्योंकि हमें अर्धवार्षिक के रूप से निकालना है। पावर n मतलब 1, क्योंकि यहाँ पे n का मान 1 आया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 60,000, ठीक है, यहाँ से कितना, 100 × 1, 100 × 6 कितना हो गया, 106/100, ठीक है, 20 से 20 गया, कितना हो जाएगा, देखो 1, 2, 0 तो पहले लगा दो, फिर आप इस 600 106 को गुणा कर लो, 6 को 106 से, ठीक है, तो 6 × 6 = 36 हुआ, हासिल गया 3, 6 × 0 = 0 हासिल का 3, 6 एकम। ऐसे भी आप सोच सकते हो, और 106 का 6 × 636 ही तो होगा, ठीक है, 100 का 6 × 600 = 6 का 6 × 36 = 36 और 00 तो लगा दो, इतने रुपए, ठीक है। तो पहले में 6 महीने के अंत में जो राशि होगी वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। अंत में जो राशि होती है कुल मिला के, यानी कि ब्याज प्लस में मूलधन, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्रधन, यानी कि 6 महीने के अंत में कुल राशि हो जाएगी 63,600 करोड़, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहला पार्ट तो समझ में आ गया होगा। अब जरा दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। दूसरे पार्ट में सब कुछ सेम रहेगा, बस कहानी क्या बदल जाएगी, समय, समय यहाँ पर 6 महीने की जगह 1 साल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में कहानी कहाँ बदल जाएगी, समय, ठीक है। पहले 6 था, अब कितना हो गया, 1 वर्ष, तो समय यहाँ पर आ गया 1 वर्ष, लेकिन n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 1, यानी कि 2, क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक में जो n होता है वो जो वर्ष में समय है उसका डबल होता है, ठीक। तो यहां से अब बताओ कि भाई a की वैल्यू इस केस में कितनी होगी, p 1+r/100 की पावर n, तो यहां से हो जाएगा p का मान है यहाँ पर 60,000, p का मान कितना है 60,000, यहाँ से 1+r कितना है 6/100, n कितना है यहाँ पर 2, ठीक है,
तो सब काट लो, दो तीन छह, दो से काटा तो 50। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000, 50 एकम 50 और 3 53 बटे में 50, और इसकी घात कितनी है 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50 गुणा में 1 50 हुआ, जमा में 3 कितना हो गया, 53 बटे में 50, घात है 2। आज चाहो तो ये घात 2 ना लिख के, घात 2 ना लिख के सीधे ही क्या करो, गुणा कर लो 2 बार, 53 बटे में 50। 1 से 2 से 2 बार 0 है 2 से 2 0 कट गया, ठीक है। यहाँ पर 2 0 थे, 1 2 2 0 काट दिए। 5 से काटो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 के आगे 0, यानी कितना हो गया, 5 2 10, 1 के आगे 0 10 होता, 1 0। फिर इसको आप काट सकते हो 5 से 5 2 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2 के आगे 0 यानी 20, 5 20। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ a का मान कितना बचा है, यहाँ बचा हुआ है 24 गुणा में, यहाँ 53 गुणा 53, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लेना, ये हो जाएगा 67,416। जब आप इनको गुणा करोगे तो इसका मान आ जाएगा 67,416 रुपये, यानी एक वर्ष के अंत में उसे इतनी राशि प्राप्त होगी, और 6 महीने वाला में पीछे बढ़ा चुका, ठीक। तो ये था प्रश्न नंबर 5। अब बात कर लेते हैं प्रश्न 6। अब देखो जो प्रश्न 6 है इसमें क्या बोला गया है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 का कर्ज लिया। कितना कर्ज लिया आरिफ ने, 80,000 का, कहाँ से लिया है, बैंक से लिया है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कितना डिफरेंस आएगा, कितना अंतर आएगा ये बताना है, अगर वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित हो और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मूलधन कितना है, ठीक है। तो मूलधन देखो कितना है, मूलधन है हमारा 80,000 रुपये, तो यहाँ से मूलधन हो गया 80,000 रुपये, ठीक है। और जो ब्याज की दर है, ठीक है, ब्याज की दर यानी आर, वो है 10% वार्षिक, ठीक है, 10% वार्षिक, 1 साल में 10% लगेगा, ठीक है। तो हमें टाइम बताया गया है, देखो यहाँ पे समय जो है वो है 1.5 साल, समय कितना है 1/2 वर्ष, यानी कि 1.5 वर्ष। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वार्षिक संयोजित होता है इसके हिसाब से निकाल लेंगे, और फिर अर्धवार्षिक के हिसाब से निकाल लेंगे, फिर बताएंगे भाई कि दोनों में कितना अंतर आएगा। पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, पहले पार्ट में ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, जब वार्षिक संयोजित होगा तो आर जितना है उतना ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जितना टाइम है उतना ही एन हो जाएगा, ठीक है। तो एन कितना हो जाएगा, 1/2 वर्ष। अगर अर्धवार्षिक होता तो हम डबल करते टाइम को, लेकिन यहाँ पे हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, पहले पार्ट में वार्षिक है तो कोई अंतर नहीं आएगा आर में और एन में, एन टी के बराबर रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एन एक भिन्न है, तो भिन्न के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर, ठीक है, यहाँ पर जो ए होगा, ठीक है, वो अब हम पी 1+R/100 वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, इससे हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। इससे निकाल सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन बहुत हाई फाई हो जाती है, ठीक है। तो अब हम किससे निकालेंगे, पी ब्रैकेट के अंदर 1+R/100, ठीक, जो इसका पूरा पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जब मैंने एग्जांपल में समझाया वहाँ 5 था, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखोगे, फिर दोबारा से यही ब्रैकेट बनाओगे 1+R/100 लिख दोगे, और जो इसका भिन्न वाला हिस्सा है यानी कि 1/2, ये यहाँ पर गुणा में लिख दोगे, ठीक है, ये करना है आपको। तो अब यहाँ पे आ जाओ भाई, कितना आएगा, पी का मान कितना है 80,000, तो यहाँ पे आ गया 80,000, यहाँ पे आया 1+R, R की वैल्यू है 10%, ठीक है, 100, पावर 1 है, 1 लिखो ना लिखो वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे है 1+1/2 गुणा में R यानी 10%, ठीक। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000, यहाँ पर 1 0 से 1 0 गया, 10 गुणा 1 10 गुणा 1 10, जमा में यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 10 एकम 10 और 1 11 बटे में कितना है 10, घात 1 थी ना लिखो तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, 1 0 से 1 0 गया, 1+1 गुणा 1 1 हुआ, 2 गुणा 10 20 हो गया,
ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो 20 एकम 20 में एक जोड़ोगे 21, सीधा मैं लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, 21 बटे में 20। अब 10 कट गया, ठीक है, 2 से काटोगे हो जाएगा 2 चौक 8, 1 2 0 बचा हुआ, इनको भी काट के 2 0 लगा दो, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 11 का पहाड़ आपको आता है, 11 गुणा में 1, ठीक है, 11 गुणा में 1 कितना हो गया, 11 हासिल किया 1, फिर 11 गुणा में 2 22, 22 में जो 1 हासिल किया था जोड़ दो 23, ठीक है, गुणा में यहाँ कितना बचा हुआ है 400, इनको गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं, 4 से गुणा करना है, 2 0 है तो पहले 2 0 लगा दो, फिर 4 को गुणा करोगे 1 में, 4 एकम 4, फिर 4 को गुणा करोगे 3 में, 4 3 12 का 2 हासिल 1, फिर 4 2 8 और 1 9 यानी 92,400, ठीक है। तो पहले केस में जो आया वो 92,400 आया मिश्रधन, यहाँ पे ए चल रहा है, ए का मान कितना आ गया 92,400। तो देखो अब जगह चाहिए मुझे अगला पार्ट करने के लिए, तो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इन सबको, बस आप इसको याद रखना कि पहले पार्ट में जो ए आया है, पहले पार्ट में जो मिश्रधन आया उसको मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ A1, ठीक है, उसको मैं A1 करके बोल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ए ना बोल के A1 बोल दूँ, वो कितना आया है 92,400 रुपए, ठीक है, पहले पार्ट का है ये सॉल्यूशन 92,400, आप इसको याद रखना। अब दूसरे पार्ट के लिए जगह चाहिए थी तो मैंने इसको मिटा दिया, अब दूसरे पार्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरे पार्ट को मैं अलग कलर से कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट में क्या होता है, देखो जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होने का मतलब है कि यहाँ पर जो एन होगा वो 1/2 वर्ष नहीं रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो एन होगा वो 1/2 वर्ष नहीं रह जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं, देखो अब यहाँ पर अब एन कितना हो जाएगा, अब हमारा जो एन आएगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, वो होगा जो भी समय है उसका 2 गुना, यानी 2 गुणा में समय, समय देखो ये क्या है 2 एकम 2 जमा में 1, 3/2 लिख सकते हैं इसको तो, ठीक है ना, जो ये मिश्र भिन्न है इसको इसमें बदल लो, 2 गुणा 1 2 और 1 3, 3/2 हो गया, तो इससे ये कट गया, यानी एन का मान दूसरे पार्ट के लिए, ठीक है, एन का मान दूसरे पार्ट के लिए कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक था तो उसका डबल हो जाएगा। अब यहाँ से ए बराबर फॉर्मूला लग जाएगा P1+R/100n, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि n अब भिन्न नहीं रहा तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया P का मान कितना है 80,000, तो यहाँ से आ गया 80,000, 1+R की वैल्यू कितनी है, अब देखो अर्धवार्षिक है तो R भी बदल जाएगा, ठीक है, अर्धवार्षिक है तो जो R है वो ÷2 हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 5%, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि जगह बन जाए, 10/2 यानी कितना लेंगे हम 5%, क्यों लिया, पिछले पार्ट में 10% लिया था, यहाँ पे 5 क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक है, ÷2 करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से R की जगह आप 10 ना रख के 5 रखोगे, 5/100, और पावर n है, n की वैल्यू इस बार 3 है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 2 10 10, तो यहाँ से हो गया 80,000, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 20 गुणा में 1, 20 जमा में 1 21, 20 है, पावर 3 है यार, पावर 3 ना लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा ही 3 बार गुणा कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया 3 बार गुणा कर दिया, ठीक है, तो 1 2 3 0 से ये 3 0 कट गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 गुणा में 2 गुणा में 2, नीचे 2 3 बार है, तो आपको याद होगा 2 का घन 8 होता है, मतलब 2 गुणा 2 4 2 8, मतलब नीचे अगर मैं सबको काटूँ एक बार में ही तो 2 2 4 2 8, 8 से कट जाएगा 8 एकम 8, ठीक है, 1 0 तो 1 0। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है 10 गुणा में, यहाँ कितना है 21 गुणा 21 गुणा 21, तो यहाँ से 21 गुणा 21 गुणा 21 कर लेना, यह जाएगा 9,261, ठीक है, 10 से गुणा करोगे 1 0 लग जाएगा, यानी कि 9 2 6 1 0, तो यहाँ से आ गया, इसको हम 2 बोल देते हैं, यानी जो दूसरे केस में कुल राशि आई है वो है 92,610, और पहले कितनी थी 92,400, तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हो बाप कि भाई जो पहला केस था वहाँ पे तो कुल राशि कितनी आ रही थी 92,400, और जो दूसरा केस है 92,610, तो अंतर कितना है, तो हम बोलेंगे राशियों में अंतर, ठीक है, इसको अलग कलर से लिखता हूँ, राशियों में अंतर, तो मैंने यहाँ पे लिखा अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा दूसरे में आ रहा है 92,610,
ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 92,610 माइनस में यहाँ पे 92,400, तो 600 में से 400 यानी कि कितना बचेगा, 210 रुपये का अंतर आ रहा है। ठीक है, 210 रुपये का अंतर आ रहा है, आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो पहला पार्ट, 2 वर्षों के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। दूसरा पार्ट, तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, दो चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, मूलधन 8,000 रुपये, यानी कि जो पी है उसका मान आ गया 8,000 रुपये। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पर जो वह दर है वो वार्षिक है, कितनी, 5% वार्षिक। ठीक है, 5% वार्षिक है। और उसके अलावा जो समय है पहले केस में, ठीक है, अभी बात करते हैं पहले केस की। तो पहला जो पार्ट है, यहाँ पर समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, एन भी हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि इस पार्ट में बोला गया है कि भाई जो ब्याज है दोनों ही पार्टों के लिए वो कैसे होता है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो जितना टी यानी टाइम उतना ही एन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बराबर पी 1+R/100 की पावर कितनी, एन हो जाएगी। पी कितना है, 8,000 है हमारे पास, 1+R है 5/100 और उसकी पावर एन हो गई। तो काटोगे तो 5×5 और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और एन की वैल्यू चलो रख देते हैं यहाँ पे, एन तो 2 है ना, 2 रख दो। तो यहाँ से कितना हो गया, 8,000, 20×20 और 21/20, पावर 2 है तो 2 बार आ जाएगा, 21/20, 1, 2, 1, 2। ठीक है, नीचे कितना है, 2×2 4 है नीचे, तो 2×2 4 से काट दो सीधा, 4×2 8, 10 तो 10 यानी 20। तो यहाँ से देखो कितना आ गया, a बराबर यहाँ बचा हुआ है 20×, यहाँ 21×21, 21×21 मतलब 441, 21 का वर्ग आपको याद होगा। तो a का मान कितना आ गया, 10 है तो 10 लगाओगे, फिर 2×1 2 हो गया, 2×4 8 हो गया, 2×4 8 हो गया रुपए, यानी 8,820 रुपए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया पहला पार्ट, जिसमें आप लिख लेना कि दूसरे वर्ष के अंत में उसके नाम से 8,820 रुपये जमा किए जाएंगे। अब अगर मैं बात करूँ इसके बाद दूसरे पार्ट की, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं, इसको मैंने ऊपर कर दिया। दूसरे पार्ट में देखो क्या बोला गया है, तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, दूसरे पार्ट में मैंने लिखा तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज बराबर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पर दो तरीके हैं तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालने के लिए। पहले तो आप ये समझो, यहां तीसरे का मतलब तीनों वर्ष का मिला के नहीं है, इसमें पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का हम नहीं जोड़ेंगे, तीसरे का मतलब है सिर्फ थर्ड वाले ईयर का, तीसरे साल का। ठीक है, तो तीसरे साल का निकालने के लिए एक तरीका तो यह है, आप शुरू से 3 सालों का टोटल निकाल लो, यानी मिश्रधन निकाल लो शुरू से 3 साल का, उसमें से जो शुरू के 2 साल का आया वो घटा दो, तीसरे साल का ब्याज बच जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पीछे की कहानी भूल जाओ, आप समझो कि जब दूसरा वर्ष खत्म हुआ तब यहाँ पर जो मिश्रधन है वो तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाएगा। यानी कि जब दूसरा वर्ष खत्म हुआ तो 8,820 रुपये हो चुके थे, अब इसी 8,820 रुपये पे ब्याज लगेगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है ना, तो तीसरे साल पे ब्याज कब लगता है, जब दूसरे साल का जो था उसका उतना प्रतिशत। तो हम बोलेंगे तीसरे साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 8,820 का 5%। सिंपल सी बात है, इसमें इसका क्या हो जाएगा, 8,820 का 5%। भाई 2 सालों में इतना बन चुका है ना, अब इसी का 5% अगले साल मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन होता है उस पर ब्याज जुड़ता है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो ये हो जाएगा 8,820×5/100, ठीक है, 5/100 आ गया। तो यहाँ से
एक जीरो से एक जीरो कट गया, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, ठीक है, सब कुछ कट चुका है, यहाँ पे दो बचा, कितना बचा देखो यहाँ पे आठ आठ दो, और नीचे कितना बचा हुआ है दो, इसको काटोगे तो दो चौक आठ, फिर दो चौक आठ, दो एकम दो, यानी 441 रुपये तीसरे साल का ब्याज होगा, ठीक है ना, क्योंकि तीसरे साल में क्या होगा, जो दूसरे साल तक मिश्र दर बना उसी का 5%, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सातवां प्रश्न, अब बात करते हैं आठवें की। आठवें में देखो क्या बोला गया, अब देखो जो आठवां प्रश्न है इसमें क्या बोला गया, रुपए 10,000 पर डेढ़ वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है ना, अर्धवार्षिक संयोजित होगा, ठीक है, तब क्या होगा, देखो सबसे पहली बात मूलधन तो खैर दोनों केस में सेम रहेगा, पी कितना हो गया 10,000, ठीक है, समय कितना है यहाँ पर डेढ़ वर्ष, समय अगर डेढ़ वर्ष है और ब्याज अर्धवार्षिक हो रहा है तो मतलब एन समय का डबल होगा, ठीक है, तो दो एकम दो और एक तीन, यानी कि 3/2 कट गया तो कितना आ गया 3 आ गया, और जो आर है वो कितना दिया गया है 10%, तो ये 10% का आधा हो जाएगा क्योंकि अर्धवार्षिक होता है, तो मतलब ये 5% रह जाएगा, ठीक है। तो पहले पार्ट की बात करूँ जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो यहाँ से जो हमारा कुल राशि यानी कि मिश्र धन है वो हो जाएगा पी 1+R/100 की पावर एन, यही वाला फॉर्म लगाएंगे क्योंकि एन का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सिंपल नंबर आ रहा है, तो यहाँ से कितना हो गया, पी का मान है हमारे पास 10,000, 1+R यानी कि 5 हो चुका है, 10 था लेकिन आधा हो गया, एन का मान है 3, तो यहाँ से हो जाएगा 10,000, ये कट गया 5 एकम 5, 5 से काटा तो 20 आ गया, 20 × 1 20 जमा में 21 यानी 21/20 कितनी बार है, 3 बार, क्योंकि आप घात कितनी है 3 है, तो हम 3 बार लिखेंगे 21/20 और 21/20, ठीक है। इसके बाद आप देखो क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3 तीन जीरो कट गए, 2 से काटोगे 10 को बचेगा 5, अब इसके बाद कितना बचा हुआ है, देखो यहाँ बचा हुआ है 5, ठीक है, कुल राशि यानी मिश्रधन बराबर 5 × में, यहाँ बचा 21 × 21 × 21, अभी हमने 21 × 21 × 21 किया था तो आया था हमारे पास 9,261, और बटे में कितना है 2 × 4, तो यहाँ से ए बराबर 5 से गुणा करो, 5 × 1 5 हुआ, 5 × 36 का 0 हासिल किया 3, 5 × 2 10 और 3 × 13 का 3 हासिल 1, 5 × 3 45 और 1 46, बटे में कितना बचा हुआ है, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 11,576.25, ठीक है रुपए, तो ये हमारा आ गया कुल राशि यानी कि मिश्र धन। अब हमसे ब्याज भी पूछा गया था तो ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज के लिए देखो इसको मिटा रहा हूँ मैं ताकि यहाँ पर जगह बन जाए, तो यहाँ से जो ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना हो जाएगा ए माइनस पी, ए का मान कितना है 1 1 5 7 6.25, माइनस में पी यानी मूलधन 10,000 था हमारा, तो घटाओगे तो कितना बचेगा 1,576.25, ठीक है, ये हो गया, ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया था कि जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा तो क्या ये ज़्यादा होगा कि फिर वो वाला ज़्यादा होगा, तो अब क्या करना, देखो यहीं मैं यहीं तक कर रहा हूँ, आप अब इसी सवाल को जैसे मैंने अर्धवार्षिक किया, आप वार्षिक रूप से संयोजित होने पे क्या होता वो निकाल लो और फिर पता लगाओ कि कौन ज़्यादा है, ठीक है, वो आप खुद कर लेना, इतना आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।